हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मेट्रोजिल टैबलेट के बारे में। मेरे पास मेट्रोजिल 400 mg के अंदर यह टैबलेट है, जो कि कुछ इस प्रकार की पैकिंग के अंदर आती है। ये गोलियां कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। मेट्रोजिल का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर एक साल्ट होता है मेट्रोनिडाजोल। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। एंटीबायोटिक टैबलेट का मतलब है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरिया पनपता है तो बैक्टीरिया को मारने में और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में यह टैबलेट काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो आज हम जानेंगे मेट्रोजिल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया को यह मारता है, कौन सी बीमारी के दौरान इसका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल माना जाता है, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और कितने प्राइस पर आपको यह देखने को मिल सकता है, आप इसे कहाँ से खरीदेंगे और कहाँ से आपको यह इजीली मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है मेट्रोजिल 400 या 200 mg, 400 mg और 600 mg तीन प्रकार के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। अक्सर जो इसकी एडल्ट के लिए डोज होती है वो 400 mg चलती है। दिन में 2 बार या 3 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि इन्फेक्शन को रोकने में, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल साल्ट पाया जाता है। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसकी कीमत मैं आपको बताऊं तो 25 रुपये कीमत होती है 15 गोलियों की। 15 गोलियां हैं, 15 गोलियों की 25 रुपये कीमत है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 रुपये के अंदर इसकी एक टैबलेट की कीमत होती है। जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया है ये बैक्टीरिया को रोकने में मदद करती है। अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए या फिर किसी प्रकार के पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाए तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने में यह मदद करती है। तो सबसे ज़्यादा इसका, अगर आपको लिवर का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, आंतों का किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, किसी को वजाइना से रिगार्डिंग किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, हार्ट का इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है, बोन का इन्फेक्शन है या फिर स्किन का इन्फेक्शन है, इन प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो आफ्टर सर्जरी भी करते हैं। किसी किसी को डेंटल इन्फेक्शन, यानी कि किसी के दांतों में अगर कोई कीड़ा पड़ जाता है या दांतों के अंदर बहुत ज़्यादा पस निकलता है तो ऐसी कंडीशन में भी मेट्रोनिडाजोल साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। किसी के पैरों के अंदर, हाथों के अंदर अल्सर पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो भी इस समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाथों पे छाले पड़ जाना, हाथ फट जाना, पैर फट जाना, इन दोनों कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई दबाव पड़ जाए बॉडी के ऊपर, छाले से पड़ जाए, तो भी इस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल करना काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है। किसी को इंटेस्टाइन से संबंधित दिक्कत, जैसे ये दस्त लग जाते हैं, पतले पतले दस्त हो जाते हैं, तो भी मेट्रोजिल टैबलेट का इस्तेमाल करना काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है। यह टैबलेट बहुत ही अच्छी है, पेट से संबंधित सभी प्रकार की दिक्कतों को दूर करने में यह मदद करती है। अब जानते हैं इस दवाई का साइड इफेक्ट्स के बारे में। वैसे तो दवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इस दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने इस पर सिर में दर्द होना, चक्कर आना, मुंह का सूख जाना, उल्टी आना, जी मिचलाना, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अधिक मात्रा में भी आप इसका इस्तेमाल ना करें, वरना आपको दस्त से रिगार्डिंग जो समस्या थी, दस्त तो रुक जाएंगे, लेकिन दस्त जो मल होता है वो आंतों के अंदर भी फंस सकता है, इसलिए अधिक मात्रा में इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल किन लोगों को करना नहीं चाहिए। अगर किसी को किडनी से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या है तो इस दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। अगर किसी को लिवर का बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, लिवर पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, 50% ख़राब हो गया है, तो भी इस दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। प्रेग्नेंट वुमेन को इस दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी इस दवा का इस्तेमाल करना सेफ नहीं रहता, तो हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी कीमत मैंने आपको बता दी है, मात्र 25 रुपये के अंदर 15 गोलियां मिल जाती हैं। इजीली आपको मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे मेडिकल स्टोर के अलावा अमेजन वगैरह किसी साइट से खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इसे मंगा सकते हैं। दिन में हमेशा इसे 2 बार ही इस्तेमाल करना चाहिए, 2 बार या लास्ट से लास्ट 3 बार। तो इसकी जो खुराक होती है वो BD या TDS चलती है। अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज के हिसाब से इस दवा का इस्तेमाल करना सेफ माना जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो पूरी होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।